स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू क्लास, अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। जो कम्युनिकेशन है आप में, जो डिपेंडेंस है, आप एक पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ लिविंग आप हैं और लोग भी हैं, फिर वहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बटरफ्लाई है, मोथ है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग भी हो सकते हैं, प्लांट्स हैं, तो आप दोनों के बीच में किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है? एयर में एक्सचेंज हो रहा है, आप में और ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में। आप उस एयर को ले रहे हैं जो कि ऑक्सीजन रिच है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट एयर ले रहे हैं, प्लांट उसमें से सेम एयर को ले रहे हैं पर वो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑक्सीजन ऑल्सो। फिर प्लांट की इंट्रेक्शन सनलाइट के साथ भी है, प्लांट की इंट्रेक्शन सोयल के साथ भी है, वाटर और मिनरल के साथ भी है। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं। एंड इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इकोसिस्टम है फंक्शनल यूनिट है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी उनका कॉन्टैक्ट है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। ये डिफरेंट इनकी साइज दिया हुआ है, पॉन्ड भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी और सी भी। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, वर्ल्ड लेवल का इकोसिस्टम है, एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम। तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, बायोम वगैरह आपने पढ़े हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इन टू टू बेसिक कैटेगरी। इकोसिस्टम की टू बेसिक कैटेगरी हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, यूस्ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये आपने इसमें और एग्जाम्पल भी ऐड करने हैं। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में ऑल्सो भी considered as man-made ecosystem. तो प्लस टू क्लास, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है। आप अपना पार्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पोंड, लेक, वेटलैंड, रिवर, यूस्ट्री क्या होती हैं जहाँ फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर मिलता है। These are the example of aquatic ecosystem. Crop field and aquarium may be considered as man-made ecosystem. अब आप किचन गार्डन की बात करें, आपने किचन गार्डन है या छोटी सी जगह पे आपने अपने घर में 5-7 प्लांट लगा दिए हैं, वो भी एक टाइप का आपने इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम क्या है? सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input. Input kya hai? Productivity, transfer of energy, food chain. Appreciate the input. Input जो हम दे रहे हैं, हम fertilizer के form में दे रहे हैं, irrigation के form में दे रहे हैं, transfer of energy, food chain के form में transfer हो रही है, food web के form में, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के फॉर्म में, एंड द आउटपुट, आउटपुट डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। आउटपुट हमें कंप्लीट नहीं मिलेगा जितना हमने इनपुट लिया है क्योंकि कुछ रेस्पिरेशन में लॉस हो जाएगा। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल चेन्स वेब्स दैट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो। अगर एनर्जी फ्लो ही नहीं होगी तो फूड चेन नहीं बनेगी, फूड चेन नहीं बनेगी तो फूड वेब भी नहीं बनेगी, इंटरकनेक्शन होगा ही नहीं। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप होगा तो फूड वेब बनेगी, तभी जो मटेरियल है और एनर्जी है, एनर्जी का साइकिल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है,
तो तभी वो चलेगा। तो इसमें यही दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है। यू हैव लुक्ड एट वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में आ जाएगा सनलाइट, एयर, सोयल। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। अगर आप बात करते हैं प्लांट की, ऐसा प्लांट जिसको एबायोटिक फैक्टर में ज़्यादा अमाउंट वाटर की ज़रूरत है और वहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा नहीं है, तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है, किस टाइप की वेजिटेशन है, डिपेंड ऑन द एबायोटिक फैक्टर। और किस टाइप की फिर वहाँ वेजिटेशन है, जो भी डिटरमिन करती है कि वहाँ किस टाइप के एनिमल मिलेंगे। लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट इन ए मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है। इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज करेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। दिस फिजिकल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्ट्रक्चर इट इज मेड अप ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम। हमें पता लग रहा है प्लांट कितनी स्पीसीज हैं, एनिमल कितनी स्पीसीज हैं, वो हमें स्पीसीज कंपोजिशन पता लगता है कि टोटल स्पीसीज इतनी हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे जहाँ ज़्यादा स्पीसीज मिल रही हैं, तो आप से अगर कोई कहे कि कमेंट करो यहाँ ज़्यादा स्पीसीज क्यों मिल रही हैं, तो आप क्या कमेंट करेंगे कि यहाँ फूड रिसोर्सेज हैं, यहाँ वेजिटेशन अच्छी है, हैबिटेट ठीक है, फिर प्रीडेटर एब्सेंट हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऊपर से शुरू हो जाएं आप, सबसे ऊपर पेड़ हैं 50 फीट के, फिर 40 के हैं, फिर 35 के हैं, तो ये लेयर्स बना देंगे, इनको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट शब द सेकेंड एंड हर्ब एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। तो ये आपने इसमें एग्जाम्पल याद करने हैं। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट। सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट कब, वेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जब हम कौन से एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में सबका इंट्रैक्शन आ जाएगा बायोटिक एबायोटिक का। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में जो वेस्ट मटेरियल उसका डीकम्पोजिशन आएगा। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो फिर बायोटिक और एबायोटिक सभी मिल जाएंगे, क्योंकि प्लांट एबायोटिक की हेल्प से फूड बना रहे हैं और उस पर हर्बीवोर्स डिपेंडेंट हैं और कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम लेट अस टेक ए स्मॉल पॉन्ड एन एग्जाम्पल। दिस इज फेयरली ए सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट रेदर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया, जैसे पॉन्ड है, ये सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब इसको बाहर से किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बायोटिक फैक्टर भी हैं, एबायोटिक भी हैं। रैदर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब पॉन्ड की बात करें, आपने तालाब देखा ही होगा, नहीं देखा तो बेटा इसको देखें आप। शैलो वाटर बॉडी होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती, इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एस्टेब्लिश्ड। द एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर विद ऑल डिजोल्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द रिच सोयल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड। बॉटम ऑफ पॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे एनिमल बिल्कुल वाटर में ऊपर नहीं रहते हैं, कुछ बॉटम तक भी रहते हैं। द सोलर इनपुट साइकिल ऑफ टेम्परेचर डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन
सोलर इनपुट क्योंकि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर वो भी प्लांट में प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, अलग अलग प्लांट अलग अलग टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, डे लेंथ दैट इज़ फोटो पीरियड एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड। अगर इनमें वेरिएशन आ जाती है, जैसे विंटर की बात करें, विंटर में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्स्ड मार्जिनल प्लांट जो कि एज पे मिल रहे हैं किसी भी रिवर में या पॉन्ड में, कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म, डिकम्पोजर आर फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैजलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन एनी इको सिस्टम। क्योंकि इसमें आपने देखा बायोटिक ए बायोटिक दोनों कंपोनेंट आ गए हैं, उनके इंट्रैक्शन भी आ गई है, तो ये इको सिस्टम का काम कर रहे हैं पूरा, एंड ऑफ बायोस्फीयर एज ए होल। बायोस्फीयर बायोम से बनता है, बायोम इकोसिस्टम से बनते हैं, तो इकोसिस्टम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है बायोस्फीयर की, और इकोसिस्टम की यूनिट क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी सन से आई, और किसने कन्वर्ट किया, ऑटोट्रॉफ ने। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ बाय हेटरोट्रॉफ, डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर, डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ उनको फिर रीयूज कर रहे हैं। दीज इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, दिस इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड द हाई ट्रॉफिक लेवल एंड इज डिसिपेटेड एंड लॉस एज हीट। या आप फूड चेन में पढ़ेंगे, जो प्लांट हैं 1% एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं और 90% एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं 99% एनर्जी, उसके बाद अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं केवल 10% एनर्जी गेन होगी, 90% लॉस होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, कांस्टेंट इनपुट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अगर ये सोलर एनर्जी का जो इनपुट है ये ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी इकोसिस्टम जो है सस्टेन नहीं करेगा। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टाइम पीरियड वो आपकी मर्जी, आप एक साल का काउंट कर रहे हैं, 6 मंथ का काउंट कर रहे हैं। इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वेट दैट इज़ ग्राम पर मीटर स्क्वेयर, और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वेयर, या हमने पर्टिकुलर एरिया लिया है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। हम डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पर मीटर में काउंट कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे टुंड्रा है, टुंड्रा में कोई इकोसिस्टम है, उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो आएगी, कम आएगी, क्योंकि वहाँ फूड चेन भी बिल्कुल मिनिमम सी हैं। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ने जितनी प्रोडक्शन की दैट इज़ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्लांट को कुछ फूड की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन से लॉसेस भी होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी लॉसेस कहते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर दें देन इट इज़ कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज बाई प्लांट इन रेस्पिरेशन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज।
रेस्पिरेटरी लॉसेस हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें कि आप प्लांट को खा रहे हो, प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हो, तो आपको कौन सा मास प्लांट का अवेलेबल होगा, दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटरोट्रोफ। हेटरोट्रोफ के लिए दैट मे बी हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कितना नया ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर बना रहा है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन प्लांट स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। इट डिपेंड ऑन वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। आपने प्लांट लगा दिया पर सॉइल में न्यूट्रिशन है ही नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, आपने प्लांट लगाया जो कि सनलाइट में लगना चाहिए, अपने शेड में लगा दिया, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट खत्म हो जाएगा। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर की कितनी है, 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Of this, despite occupying about 70% of the surface, productivity of ocean are only, ocean जो है 70% total area occupy करते हैं, पर production कितनी है उनकी, 55 billion ton, थोड़ी कम है, that is 55 billion ton. Rest of course is on land. 55 को इसमें से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 115 बिलियन टन। इसके बाद है डीकम्पोजिशन। यू मे हैव हर्ड ऑफ अर्थवॉर्म बीइंग रेफर टू एज द फार्मर फ्रेंड। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ सोयल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में ब्रेक डाउन कर रहे हैं और सोयल को लूज कर रहे हैं। आपने पढ़ा भी है क्या होता है इनके माउथ में आगे, प्रोस्टोमियम। स्टोमियम माउथ को बोलते हैं, प्रोस्टोमियम को खुरपे की तरह यूज करते हैं। अब आपने कोई गड्ढा खोदना है, आप खुरपे से खोदेंगे और मिट्टी को साइड में रखेंगे। अर्थवर्म ऐसा नहीं करते, अर्थवर्म उस मिट्टी को निगल लेते हैं, तो मिट्टी पूरी इनकी एलिमेंट्री कैनाल से होकर निकलती है। प्लस टू क्लास अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीकम्पोजिशन। यू मे हैव हर्ड ऑफ अर्थवर्म बींग रेफर टू एज फार्मर फ्रेंड। ये इसीलिए है, कॉम्प्लेक्स मैटर को ब्रेक डाउन करना, सोयल को लूजनिंग करना, सोयल को खा जाते हैं, सोयल इनकी एलिमेंट्री के नाम से होकर निकलती है, तो जहाँ अर्थवर्म होंगे वहाँ की अगर सोयल देखेंगे आप, दानेदार मिलेगी। सिमिलरली डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फिकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस। वट इज द रॉ मटीरियल फॉर डीकम्पोजिशन। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ये स्टेप आपने सिक्वेंस में करने हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, डेट्रिवोर। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू सिंपल पार्टिकल्स। डेट्रिवोर डेट्राइटस फूड चेन चलाते हैं, ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल। डेट्राइटस की बात कर रहे हैं, गले सड़े लीव्स, गिरे हुए लीव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। By process of leaching, water soluble inorganic nutrient go down into soil and get precipitated as unavailable salt, क्योंकि वो पूरी तरह dissolve नहीं होते। Bacteria and fungal enzyme degrade detritus into simple inorganic substance, इसको बोलते हैं catabolism। तो पहली process हुई fragmentation, फिर leaching से वाटर का नीचे जाना, और फिर कैटाबॉलिज्म,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट ऑल द अबव स्टेप इन डीकम्पोजिशन ऑपरेट सिमल्टेनियसली, इकट्ठे ऑपरेट होते हैं ऑन द डेट्राइटस। डेट्राइटस पे तीनों प्रोसेसेस चल रही हैं, उनका ब्रेकडाउन भी चल रहा है, लीचिंग भी चल रही है, कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अक्कर ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इन सॉयल। ह्यूमिफिकेशन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस। अब आप अगर किसी थिक फॉरेस्ट में जाएंगे तो सॉयल पे आपको सॉयल, ऊपर की सॉयल डार्क कलर की मिलेंगी, दैट इज़ ड्यू टू ह्यूमस, दैट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो ह्यूमस है इट इज़ रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। स्लो रेट पे इसमें डीकम्पोजिशन होगा। बींग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व एज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। कोलोइडल इन नेचर में रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट का। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रो एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अक्कर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। ह्यूमस का फिर से डिग्रेडेशन होता है माइक्रोब से और अब उसमें से मिनरल निकलने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, दिस इज इम्पोर्टेंट। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाई केमिकल कम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर। अगर डेट्राइटस के पास लिग्निन और काइटिन है तो डीकम्पोजिशन रेट स्लो होगा एंड क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, और क्विक होगा अगर उसमें नाइट्रोजन और शुगर होगी। टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन एक्टिविटीज ऑफ सॉयल माइक्रोब। टेम्परेचर ज़्यादा है तो फास्ट होगी। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डीकम्पोजिशन, वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनारिबोसिस दैट इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट डीकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल।